किसी ने कहा कि रोमन रेंस से गंथर बेटर है, जानेंगे ये किसने कहा और साथ ही साथ हम बात करेंगे बैली के WWE कॉन्ट्रैक्ट को लेकर बात, एंड हम बात करेंगे ट्रिस्ट स्टेटस के 2024 के स्टेटस को लेकर एक अपडेट आया है और साथ ही साथ हम बात करने वाले WWE नेक्स्ट पेपरव्यू डे 1 के बारे में और हम बात करेंगे कुछ रिलीज सुपरस्टार्स के बारे में जो कि अभी फ्री हो चुके हैं, फ्री एजेंट्स बन चुके हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करके लाइक कमेंट फटाफट कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर। तो वीडियो की शुरुआत में हम WWE नेक्स्ट पेपरव्यू डे 1 के बारे में बात कर ले। तो डे 1 WWE का नेक्स्ट पेपरव्यू होने वाला है जो कि 1 जनवरी को देखने को मिलेगा और अपने इंडिया के हिसाब से तो हमको 2 जनवरी को ही देखने को मिलेगा इंडिया में। और यहाँ पर आपको पता है कि पिछले साल डे 1 नहीं हुआ था तो यहाँ पर डे 1 अभी इस बार होने वाला है। तो उसके अंदर सेथ रॉलिंस वर्सेस ड्रू मैकइंटायर का मैच रखा गया है, ऐसा रिपोर्ट्स का मानना है कि ये मैच जरूर होने वाला है WWE के डे 1 पेपरव्यू में। तो ये मैच मुझे कंफर्म लगता है WWE डे 1 पेपरव्यू के लिए। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट न्यूज की तरफ, जो कि जुड़ी हुई WWE रिलीज सुपरस्टार्स के बारे में जो कि सितंबर में रिलीज हो चुके और अब जाके वो फ्री एजेंट्स बन चुके हैं और वो किसी भी कंपनी में जा सकते हैं। तो सुपरस्टार्स के नाम में आपको बता देता हूँ वो कौन होने वाला है। मुस्तफा अली, डॉल्फ जिगलर, शेल्टन बेंजामिन, रिडल, इलाया और रिक बॉब्स और होने वाले देना ब्रुक, इलायस और मेस मंसूर, मेडिक मॉस, एमा शैंकी और टॉप डॉलर जैसे कई सुपरस्टार्स हैं यहाँ पर जो कि अब फ्री एजेंट्स हो चुके हैं। एंड रिडल का मैच भी यहाँ पर जो है फिक्स हो चुका है जो कि होने वाला है रोमन रेंस के फैमिली मेंबर जोकब के साथ। तो इन सारे सुपरस्टार्स के हम बेस्ट विशेस देंगे और हमें जल्द से जल्द किसी दूसरे कंपनी में देखने को मिले। तो चलते हैं मेरे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, एंड जो कि जुड़ी हुई है स्ट्रिस स्टेटस को लेकर। देखो स्ट्रिस स्टेटस जो है WWE में फिलहाल ही लड़कर गई थी, उनकी फ्यूड लगभग बैकी लिंच के साथ हुई थी और जो कि काफ़ी अच्छी फ्यूड रही है उनकी बैकी लिंच के साथ और यहाँ पर वो हील के तौर पर देखने को मिल रही थी। और अभी रिपोर्ट से बता रही है कि WWE में स्ट्रिस स्टेटस का 2024 में एक नया रन देखने को मिलेगा। शायद WWE प्लान कर रही है बैक स्टेज को यहाँ पर स्ट्रिस स्टेटस का एक नया रन देखने को मिल जाए और हमें रॉयल रंबल के आसपास हमें ये देखने को मिले 2024 में इनका रिटर्न हो रॉयल रंबल में और उसके बाद उनका एक अलग ही रन देखने को मिल सकता है WWE में। तो मुझे तो लगता है कि अलग रन देखने को मिलेगा उनका स्ट्रिस स्टेटस का। तो देखते हैं क्या होता है, क्या स्ट्रिस स्टेटस का अपडेट होता है, यहाँ पर क्या होता है अपडेट, उनके बारे में बात करेंगे अगले वाले वीडियो में। तो चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, एंड वो की जुड़ी हुई हमें बैली से रिलेटेड। तो देखो आपको पता है कि WWE में बैली अभी डैमेज कंट्रोल टीम के साथ नजर आ रही है जो कि इनकी टीम काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग लग रही है और टीम भी बढ़ रही है। यहाँ पर जो है बैली को WWE ने कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया था एंड बैली ने यहाँ पर फिर से WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया और वो भी मल्टी ईयर का कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा PW इनसाइडर का कहना है कि बैली ने यहाँ पर जो है काफ़ी बड़ी डील साइन कर दी है WWE के साथ, मल्टी ईयर डील होने वाली है ये लगभग और ये काफ़ी लंबा साल चलने वाली है। जिस तरीके के उनके पुश मिल रहे थे WWE में तो उस तरीके के उन्हें कॉन्ट्रैक्ट भी मिला है। आगे चल के जरूर बैली के साथ कुछ अच्छा होने वाला है WWE में, इसीलिए WWE ने कुछ अच्छा मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया और बैली ने काफ़ी खुशी खुशी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है WWE से। तो ये तो हम देख, ये तो हमें आगे पता चलेगा कि बैली का क्या फ्यूचर होता है WWE में। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट एंड फाइनल न्यूज़ की तरफ जो कि जुड़ी हुई है रोमन रेंज से रिलेटेड। क्या गंथर रोमन रेंज से बेटर है, तो ऐसा विंस रूसो का कहना है। तो यहाँ पर देखो एक इंटरव्यू में यह कहा है कि यहाँ पर जो है विंस रूसो का ये कहना है कि गंथर का कैरेक्टर, उनका काम, उनका खुद के काम जो कि काफी अच्छा है और यहाँ पर कोई डाउट नहीं कि वो रोमन रेंज से बेटर है। उन्होंने ये कहा है कि रोमन रेंज ऑब्वियसली रोमन रेंज से बेटर है गंथर और ये उनके काफी अच्छे साइड्स भी है। उन्होंने कहा कि गंथर वो बंदा काफी ज्यादा अच्छा है। तो इसमें आपके क्या थॉट्स है, क्या लगता है कि गंथर रोमन रेंज से बेटर है या फिर नहीं, वो आप नीचे कमेंट करके बताएं। और ये तो विंस रूसो का कहना था, लेकिन आप बताओ कि आपको क्या कहना है। और साथ ही साथ एक छोटी सी अपडेट मैं दे देता हूँ कि क्रिसमस, देखो ये सारे WWE विमेन सुपरस्टार मानते हुए नजर आए WWE के बैक स्टेज जो कि काफ़ी खुश है। तो बस आज की वीडियो बस यही तक थी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करें, ऐसे वीडियो के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना और इंस्टाग्राम पर मुझे कुछ पूछ सकते हो तो पूछ लो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अब तक के लिए इतना, गुड बाय।